दोस्तों आज जो बताने वाला हूँ बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपको जरूर सीखना चाहिए, जरूर जानकारी लेना चाहिए कि कैसे होता है। तो फर्स्ट में आपको चैन का रोलर होता है, टूट गया तो उसी को हम लोग आज जा रहे हैं रिपेयरिंग करवाने और रोलर दूसरा लगाने जा रहे हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा एंड तक देखिए। तो दोस्तों आज रोलर के बारे में है, रोलर जो है इसमें आठ या नौ होता है, सात भी होता है किसी किसी मशीन में, तो इसमें है आठ और उस तरफ का जो है रोलर आपका टूट गया है। तो रोलर के बारे में जानकारी लेने वाला हूँ। तो ये रहा रोलर, रोलर इसमें टूट गया है तो इसमें नया रोलर लगने वाला है, पुराना वही लगाएंगे, उसमें छेद उद करके जो है लगाने वाला है। प्रोसेस जो होने वाला है आपको जरूर दिखाने वाला हूँ, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। या वीडियो को सिर्फ स्क्रिप कीजिएगा तो आपको समझ नहीं आएगा कि रोलर क्या है, क्या चीज़ इसमें, क्या क्या टूट जाने पर क्या क्या चीज़ होता है। तो रोलर टूट गया तो इसमें बहुत सारा दिक्कत आता है, तो इसको जाना है रोलर बनवाने, तो आप जरूर देखें वीडियो के एंड तक, पूरा लास्ट तक पूरा देखें। तो फाइनली दोस्तों हमारा आ चुका है रोलर और मशीन को एक तरफ से उठा लिए हैं, उठाकर इसमें जो है होल मार रहे हैं, अब क्योंकि इसमें नोट वोट लगेगा नहीं, तो होल मार कर इसमें जो है आपको फिक्स करने वाला है। तो पहले इसमें वेल्डिंग मार के होल करना है, होल करके इसमें फिट करना है। तो उतना आपको नहीं दिखा सकता क्योंकि बहुत सारा यहाँ हमारे उस्ताद कर रहे हैं, तो बोलेंगे कि वीडियो बना बार बार बनाता है। तो ठीक है, तो आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। तो फाइनली हमारा रोलर जिसमें होल मारकर उसमें रोलर फिट करना है, तो रोलर हमारा टूट गया, आठ या सात रहता है, किसी किसी में सात किसी में आठ रहता है। तो आपको भी ध्यान देना चाहिए, रोलर भी बहुत एक इम्पोर्टेंट पार्ट है, आपको उसमें भी ध्यान देना चाहिए। तो रोलर टूट गया तो उसमें ब्रेकर का रोलर टूटा है तो उसमें जाएंगे, उसमें होल मारकर नोट फिट होगा, एक पहले फिट करेंगे, एक फिट देखेंगे सक्सेस होता है कि नहीं, कि नहीं होता है तो अगले पार्ट में जरूर आऊँगा उसका कैसे कैसे उसमें, और एक ही लगा है और दूसरा तीसरा लगाएंगे। अभी उसमें चार टूटा है, तीन चार जो है चार को और लगाना है, तो उसमें अभी और ज्वाइंट करेंगे, तो आपको वीडियो वो भी नेक्स्ट में दिखा दूँगा कैसा लगता है और क्या क्या चीज होता है। ठीक है, तो वीडियो का लास्ट तक देखने के लिए धन्यवाद।